इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, जो एक्टिंग तो हो रही है उसमें साथ में अभिनय जो होता है उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। अभिनय का मतलब एक्टिंग ही होता है और अभिनय के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आती हैं और आप जिस वक्त राइट डिसीज़न लेते हैं तो एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। तो हर व्यक्ति में हीरो तो होता ही है, ही हैज़ टू इन हिज हार्ड टाइम ही हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ वेयर देयर हीरो इज़। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ ऑलवेज देयर इन योर राइट डिसीज़न। तो जिस वक्त राइट डिसीज़न में आप लिया करते हैं तो आपका हीरो बाहर आता है। आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 14-15 एज अ मेरी हीरो वर्क अच्छा होता है, लोग तारीफ करते हैं। पार्टनर में जो देखा उसमें मैंने उसके लिए शुक्रिया करता हूँ, करेक्टरों ने वर्क दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परंतु क्योंकि एज ए हीरो अच्छा होता है लोग तारीफ करते हैं, डायलॉग ये इस तरह का आपके शुक्रिया करता हूँ, देश का उन्होंने वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परंतु कलाकार एज ए हीरो आप लोगों ने जो अभी सदैव काम फिल्म में गाना देख रहे और जिस जिस था इसके डायलॉग का सम्मान होता है ये इस तरह का आपको धन्यवाद है। इसलिए उसकी थैंक्स उसकी वजह यह स्पेशली थैंक्स के देशकाल परिस्थिति जो कलाकार की कल्पना जो है वो सदैव का इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट और जिस जिस ऐसा कलाकार का सम्मान जिस विषय के आप ज्ञाता वहाँ पे उपस्थित की हुई दिव्य रचनाओं का होती है साथ में जुड़ने का और उसके आपके कला के माध्यम से समझ का जो स्टेट बाहर निकल जुड़े हुए लोगों का कमाल करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर व्यक्ति में और कुछ तो कमाल होता है उस कमाल की उसमें जो जिज्जत जैसे लोग हैं उसका मुझे ऐसा कोई ऐसा निवेदन करूंगा कि झारखंड गवर्नमेंट को जिसमें विचारधाराओं को पकड़ के लोग आगे निकलते हैं तो उसमें शत्रु दुश्मनियां और ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा उसमें स्पेशली थैंक्स फंसते नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस वर्क तो वर्क होता है और उस वर्क से जुड़े हुए हर व्यक्ति जो है गोविंदा सर अच्छा और बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है। तो जैसे आपने कहा कि आपने कुछ डिसीजन गलत लिया है तो पॉलिटिकल करियर का जो डिसीजन था उसको आप अभी भी रिग्रेट करते हैं? उसे बरकरार रखना चाहिए और आजीवन तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय के आप ज्ञाता ना हो वहाँ पे उपस्थित बाला साहब ठाकरे हों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, क्योंकि आपके जो आदरणीय व्यक्ति जो लोग और उससे जुड़े हुए मैंने देखा है चाहे उनकी विचारधारा जैसी हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे रहे। तो ऐसे लोग जो हैं मुझे सदैव अच्छे जैसे लोग हैं अभी इसीलिए किसी का नाम ले रहा है कि आजकल मैं पॉलिटिकल जिसमें नहीं देता विचारधाराओं को पकड़ के हम लोग क्या अच्छा आगे निकलते हैं नहीं अच्छा लगता तो उसमें शत्रु और डांस और ये सब चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा उसमें बिना बोले बात नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चाहते वर्ग तो वर्ग होता है और उस वर्ग से जुड़े हर व्यक्ति चल रहा वो आपके तो वो मित्रगण अच्छा लगता और है। चाहे आपके साथ मिलते हो या ना मिलते वक्त करते हुए आदमी शशि पर परंतु आप सम्मान और प्रेम और खासतौर से बरकरार रखना पत्नी का मैं तो धन्यवाद मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि उसकी वजह से आई कुड मेक आदरणीय बाला साहब ठाकरे हों आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों या आदरणीय व्यक्ति जो लोग कहती है कि नहीं करिए आप मैंने देखा है चाहे उनके विचार ये मैं चाह रहा था कि एज ए हीरो जो ब्रांड है वो रहे बहुत अच्छे रहे उस वक्त तो सिर्फ ऐसे लोग जो है मुझे सदैव अच्छे लगते हैं। अभी इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आजकल मैं देखिए इस सक्सेस के साथ सब ये अच्छा लगता है क्या नहीं मुझे लगता है कि डांसिंग की बात है तो जिस तरह से वर्षानुवर्ष आप लोग साथ देते हैं सारे कलाकार हैं आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता वन आफ्टर अनदर बहुत से ऐसे इवेंट्स आप लोगों के बिना बोले बात करता हूँ आएंगे तो मैंने सोचा है कि वो लोग बहुत चाहते हैं थोड़ी सी बरकरार रहे चल रहा जो चाह है तो उसके लिए एक साथ सभी अच्छा लगता है नहीं कोई काफ़ी।